ये अहम ब्रेकिंग, ज़ेपोरेजिया में यूक्रेन का रूसी कंट्रोल पॉइंट पर बड़ा अटैक। यूक्रेन के अटैक में 50 रूसी सैनिकों की मौत, 40 जख्मी। बहुत बड़ा सेटबैक है ये रशिया के लिए। ज़ेपोरेजिया में यूक्रेन का रूसी कंट्रोल पॉइंट पर अटैक। ज़ेपोरेजिया आप जानते हैं, डोनेस्क में भीषण लड़ाई चल रही है, खेरसोन का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल में आ गया है, और ज़ेपोरेजिया में भी खेरसोन से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद। ये अगली अहम खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, खेरसोन से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद रूस का यह बड़ा दावा, खेरसोन अब भी रूस का हिस्सा। पेस्कोव प्रवक्ता क्रेमलिन कह रहे हैं कि हम वहां से बेशक पीछे हटे हों लेकिन वो हिस्सा है रूस का। और तीसरी अहम खबर देखिए, पूरे खेरसोन में अंधेरा, रूस ने पूरा एनर्जी सिस्टम ध्वस्त किया, यूक्रेन की सबसे बड़ी पावर कंपनी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डीटेक के डायरेक्टर का दावा। और चौथी अहम खबर यह है कि खेरसोन आजाद होने पर मैक्रों ने दी यूक्रेन को बधाई। फ्रांस ने यूक्रेन को बधाई दी यूक्रेन की सॉवरेनिटी के लिए, यह बहुत बड़ी जीत, इमैनुअल मैक्रों ने कहा। अगली बड़ी खबर, बाइडेन की बहन और दो भाई समेत 200 नागरिकों की रूस में एंट्री बैन। रूस ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, व्हाइट हाउस सेक्रेटरी और नैंसी पेलोसी के पति पर भी रूस का बैन। अगली बड़ी खबर, अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप करेंगे 2024 चुनाव का अनाउंसमेंट। ट्रंप के लंबे समय से एडवाइजर जेसन मिलर का यह दावा, अगले हफ्ते ट्रंप यह अनाउंसमेंट करेंगे। लंबे समय से उनके एडवाइजर रहे जेसन मिलर ने यह दावा किया, अगले हफ्ते 2024 चुनाव का अनाउंसमेंट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अगली अहम खबर देखिए, पाकिस्तान में वापसी के लिए तैयार पूर्व पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तान सरकार ने जारी किया शरीफ का राजनयिक पासपोर्ट। पाकिस्तान में वापसी के लिए शरीफ तैयार। और अगली अहम खबर यह कि ट्विटर ने $8 सब्सक्रिप्शन का फैसला होल्ड पर डाला, फेक अकाउंट्स में जबरदस्त उछाल बना इसकी बड़ी वजह। ट्विटर ने बड़ी तादाद में अकाउंट्स को होल्ड पर डाला, फेक अकाउंट्स में जबरदस्त उछाल इसकी वजह बना, $8 सब्सक्रिप्शन का फैसला होल्ड पर। अब बहुत जल्दी से ये आठों अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं, ये आठों अहम खबर इस समय पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम। यहां आप देख रहे हैं ज़ेपोरेजिया में यूक्रेन का रूसी कंट्रोल पॉइंट पर अटैक। ज़ेपोरेजिया अभी तक उन जगहों में था जहां पर यूक्रेन ने बहुत ज्यादा धावा नहीं बोला था, और लग रहा था कि शायद इन जगहों पर डिफेंड करने में रशिया कामयाब रहेगा, लेकिन यहां पर भी दावा, खेरसोन से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद रूस का ये बड़ा दावा है कि वो अब भी हमारा हिस्सा है खेरसोन। अगली अहम खबर यह कि पूरे खेरसोन में अंधेरा है, रूस ने एनर्जी सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। खेरसोन में अंधेरे के बीच यूक्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन वापस लौट रहा है। यूक्रेन की संप्रभुता के संदर्भ में मैक्रों ने बधाई दी खेरसोन वापस ज़ेलेंस्की के ले लेने के बाद, एक हिस्सा ज़ेलेंस्की के पास चले जाने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने बधाई दी और कहा कि आपकी संप्रभुता के हिसाब से यह बहुत बड़ा और अच्छा कदम। बाइडेन की बहन और दो भाइयों समेत 200 की रूस में एंट्री नहीं होगी, ज़ेलेंस्की के समेत उनके रिश्तेदारों की एंट्री नहीं होगी, ये रशिया ने एंश्योर किया। अगले हफ्ते ट्रंप करेंगे 2024 का अनाउंसमेंट। ट्रंप के लंबे वक्त तक सेक्रेटरी रहे जेसन मिलर ने इस बात का दावा किया, और पाकिस्तान में वापसी के लिए तैयार है नवाज शरीफ, और इस बारे में उन्हें राजनयिक वीजा जारी किया जाने वाला है। और ट्विटर ने फेक अकाउंट्स में जबरदस्त उछाल को देखते हुए यह फैसला किया है कि $8 सब्सक्रिप्शन का फैसला होल्ड पर डाला जाएगा। ये आठों अहम खबर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।